हाय फ्रेंड्स, देखिए कितना प्यारा डिजाइन है ये। इसको किसी भी प्रोजेक्ट पर डाल सकते हैं। लेडीज स्वेटर, लेडीज कार्डिगन, जेंट्स स्वेटर, बच्चों के स्वेटर पर, गर्ल्स टॉप पे शॉल बना सकते हैं, मफलर बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है ये। आज मैं इसी डिजाइन को आप सभी के साथ शेयर करूंगी। वीडियो पूरा देखिएगा ताकि समझ में आए कि कैसे बना हुआ है। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं इस डिजाइन को बताना। देखिए ये, देखिए 12 फंदा, ये यहाँ से यहाँ तक 12 फंदा, 12 फंदा, 12 12 फंदा का डिजाइन है ये। 12 फंदा में कंप्लीट हो जाता है और 2 फंदा एक्स्ट्रा है, दोनों साइड में एक एक फंदा। तो देखिए इसको हम इस तरह बनाएंगे। ये पहला फंदा है, हम इसी तरह ले लिए बिना बुने हुए। अब यहाँ पर धागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब यहाँ पर एक जाली देंगे और 2 को 1 करेंगे, एक जाली और 2 को 1। अब यहाँ पर धागा अपने तरफ लाएंगे, 1 2 3 4, 4 फंदा उल्टा। अब फिर यहाँ पर एक जाली देंगे और 2 को 1 करेंगे, एक जाली 2 को 1 कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3, 3 फंदा सीधा। अब ये एक डिजाइन कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 फंदा में एक डिजाइन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर फिर एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, धागा अपने तरफ लाएंगे, 2 को 1 करेंगे, धागा अपने तरफ लाएंगे, 1 2 3 4, 4 फंदा उल्टा। फिर धागा अपने तरफ ही रखेंगे और जाली देंगे, 1 और 2 को 1 करेंगे, एक जाली देंगे 2 को 1 करेंगे। अब यहाँ पर 1 2 3, 3 फंदा सीधा। अब ये लास्ट का फंदा है तो इसको हम सीधा बुनेंगे। तो दूसरा डिजाइन भी कंप्लीट हो गया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दूसरा डिजाइन भी कंप्लीट हो गया। अब उल्टे की तरफ से पूरा रो उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे, उल्टे की तरफ से पूरा रो उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिए। अब सीधे की तरफ से, सीधे की तरफ से अब यहाँ पर 1 2 2 फंदा सीधा, धागा अपने तरफ। अब यहाँ पर एक जाली देंगे और 2 को 1 करेंगे, 2 को 1 कर दिए, एक जाली आ गया। फिर यहाँ पर 1 2 3 4, 4 फंदा उल्टा, धागा अपने तरफ ही रखेंगे और यहाँ पर एक जाली देंगे, 2 को 1 करेंगे, एक जाली आ गया, 2 को 1 कर दिए, 1 2 3 4, 4 फंदा सीधा। फिर यहाँ पर 2 को 1 करेंगे, एक जाली देंगे, एक जाली देंगे, 2 को 1 करेंगे। फिर यहाँ पर धागा अपने तरफ, 1 2 3 4, 4 फंदा उल्टा। अब धागा अपने तरफ ही रखेंगे और एक जाली देंगे, 2 को 1 करेंगे, दो को एक कर दिए, एक जाली आ गया और 2 फंदा सीधा। ये लास्ट का फंदा है तो इसको हम सीधा बुनेंगे। उल्टे की तरफ से पूरा रो उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे, उल्टे की तरफ से पूरा रो कंप्लीट हो गया। अब सीधे की तरफ, सीधे की तरफ अब यहाँ पर 1 2 3, 3 फंदा सीधा, धागा अपने तरफ। अब यहाँ पर हम 2 को 1 करेंगे, एक जाली देंगे, एक जाली आ गया, 2 को 1 कर दिए, धागा अपने तरफ, 1 2 3
चार, चार फंदा उल्टा। अब धागा अपने तरफ ही रखेंगे और दो को एक करेंगे, एक जाली देंगे। दो को एक कर दिए, एक जाली आ गया। एक दो तीन चार, चार फंदा सीधा। फिर यहाँ पर दो को एक करेंगे, एक जाली देंगे। दो को एक करेंगे, एक जाली देंगे। और फिर यहाँ पर एक दो तीन चार, चार फंदा उल्टा। अब फिर यहाँ पर एक जाली और दो को एक करेंगे। एक जाली दो को एक कर दिए, ये लास्ट का है तो इसको हम सीधा बुनेंगे। उल्टे की तरफ से पूरा रो उल्टा बुनेंगे। उल्टे की तरफ से पूरा रो कंप्लीट हो गया। अब सीधे की तरफ एक दो तीन चार, चार फंदा सीधा। फिर यहाँ पर एक जाली देंगे, दो को एक करेंगे। एक जाली आ गया, दो को एक कर देंगे। धागा अपने तरफ। अब यहाँ पर एक दो तीन चार, चार फंदा उल्टा। फिर यहाँ पर धागा अपने तरफ ही रखेंगे, दो को एक करेंगे, एक जाली देंगे। दो को एक कर दिए, एक जाली आ गया। एक दो तीन चार, चार फंदा सीधा। फिर यहाँ पर दो को एक करेंगे, एक जाली देंगे। धागा अपने तरफ। एक दो तीन चार, चार फंदा उल्टा। फिर यहाँ पर दो को एक करेंगे, एक जाली देंगे। ये लास्ट का है तो इसको सीधा बुनेंगे। उल्टे की तरफ से पूरा रो उल्टा बुनेंगे। उल्टे की तरफ पूरा रो कंप्लीट हो गया। अब सीधे की तरफ, सीधे की तरफ अब यहाँ पर हम दो फंदा सीधा बुनेंगे। एक दो, दो फंदा सीधा। अब यहाँ पर हम दो को एक करेंगे। दो को एक कर दिए, अब यहाँ पर एक जाली देंगे। एक जाली इस तरह से देंगे। एक दो तीन चार, चार फंदा उल्टा। अब यहाँ पर धागा पीछे करेंगे, फिर दो को एक करेंगे। दो को एक कर दिए, धागा अपने तरफ लाएंगे, एक जाली देंगे। और एक दो तीन चार, चार फंदा सीधा। फिर यहाँ पर दो को एक करेंगे। दो को एक कर दिए, अब यहाँ पर एक जाली देंगे। एक दो तीन चार, चार फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब यहाँ पर फिर दो को एक करेंगे, एक जाली देंगे। एक दो, दो फंदा सीधा, ये लास्ट का है तो इसको हम सीधा बुनेंगे। उल्टे की तरफ से पूरा रो उल्टा बुनेंगे। उल्टे की तरफ पूरा रो कंप्लीट हो गया। अब सीधे की तरफ एक फंदा सीधा। अब यहाँ पर दो को एक करेंगे। दो को एक कर दिए, एक जाली देंगे इस तरह से। और एक दो तीन चार, चार फंदा उल्टा, धागा पीछे। फिर यहाँ पर जाली दे, दो को एक करेंगे, एक जाली देंगे। एक दो तीन चार, चार फंदा सीधा। फिर यहाँ पर दो को एक करेंगे। दो को एक कर दिए, अब यहाँ पर एक जाली देंगे। एक दो तीन चार, चार फंदा उल्टा, धागा पीछे। फिर यहाँ पर दो को एक करेंगे। दो को एक कर दिए, अब यहाँ पर एक जाली देंगे। एक दो तीन चार,
ये लास्ट का है तो इसको सीधा बुनेंगे, उल्टे की तरफ से पूरा रो उल्टा बुनेंगे। अब सीधे के तरफ इस तरह बनाएंगे, यहाँ पर दो को एक करेंगे, एक जाली देंगे और एक दो तीन चार, चार फंदा उल्टा, फिर यहाँ पर धागा पीछे करेंगे, दो को एक करेंगे, दो को एक कर दिए। अब यहाँ पर फिर एक जाली देंगे दो और एक दो तीन चार, चार फंदा सीधा, फिर यहाँ पर दो को एक करेंगे, दो को एक कर दिए। अब यहाँ पर एक जाली देंगे, एक दो तीन चार, चार फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर यहाँ पर हम दो को एक करेंगे, दो को एक कर दिए। अब यहाँ पर एक जाली देंगे, एक दो तीन चार, चार फंदा सीधा, ये लास्ट का है तो इसको हम सीधा बुनेंगे। उल्टे के तरफ से पूरा रो उल्टा उल्टा बुनेंगे, उल्टे के तरफ पूरा रो कंप्लीट हो गया। अब सीधे के तरफ, सीधे के तरफ अब यहाँ पर हम दो को एक करेंगे, दो को एक कर दिए, धागा अपने तरफ, अब यहाँ पर एक जाली दे दिए, एक दो तीन चार, चार फंदा उल्टा, फिर यहाँ पर धागा पीछे करेंगे, दो को एक करेंगे, दो को एक कर दिए। अब यहाँ पर एक जाली देंगे, एक दो तीन चार, चार फंदा सीधा, फिर हम दो को एक करेंगे। अब यहाँ पर एक जाली देंगे, एक दो तीन चार, चार फंदा उल्टा, धागा पीछे, अब फिर यहाँ पर हम दो को एक करेंगे, दो को एक कर दिए। अब यहाँ पर फिर एक जाली और एक जाली, एक दो तीन चार पांच, पांच फंदा सीधा, ये लास्ट का है तो इसको हम सीधा बुनेंगे। उल्टे की तरफ से पूरा रो उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये डिजाइन कंप्लीट हो गया। अब फिर आगे हम इस तरह से बनाएंगे, यहाँ से इस तरह बनाएंगे, यहाँ से इस तरह बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। अब बार बार हम इसी तरह दोहराएंगे, बन के इस तरह से आएगा डिजाइन। देखिए कितना खूबसूरत डिजाइन है ये और कितना आसान है ये। मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और स्वस्थ रहें, खुश रहें, फिर मिलती हूँ मैं कुछ नई डिज़ाइन लेकर आप सभी के साथ।